हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने पीछे दो क्लासेज ख़त्म कर ली हैं और आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे आगे की बातें। चैप्टर का नाम हमारा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो, आपको याद होगा पिछले दो क्लासेज में हमने आपको इसका पहला टॉपिक यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में डिस्कशन किया है। मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी चीज़ को आप रटे नहीं, आप कॉन्सेप्ट पे काम करें, बातों को समझें, हर एक चीज़ जो आपका ट्रीटमेंट हो रहा है वो ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, उसका क्या मतलब निकल के आता है, उन बातों को हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में लास्ट क्लास में जाते जाते कुछ लैंग्वेज की बातें बताई थी। ऑफिस शेयर का मतलब क्या होता है, फ्रॉम शेयर का मतलब क्या होता है। हमने कहा था कि जितना पार्टनर्स का सेक्रीफाइस होगा वो न्यू पार्टनर्स के शेयर के बराबर होगा। और हमने ये भी कहा था कि अगर आपको आंसर चेक करना है तो जो दूसरे का आपका जो तीनों पार्टनर्स से चारों पार्टनर्स जो हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस में, उनका न्यूमरेटर अगर हम ऐड करें दैट शुड बी इक्वल टू डिनोमिनेटर। ये बातें हम लोगों ने की हुई हैं। बट बच्चे, आज कुछ खास तो होना नहीं है। मैं आज की क्लास में रेशियो के कंपटीशन को एंड करूंगा और बहुत मन कर रहा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पास जाने का, तो हम वहां भी आपके साथ एंट्री करेंगे। पहले आइए क्लास को आगे बढ़ाते समय, मैंने 11 क्वेश्चन तक कर दिया था या आपको करा दिया था, आज हम 12 क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ये आप जानते हैं, इट्स नथिंग न्यू फॉर यू, और फिर भी आइए जरा एक प्रैक्टिस के रूप में हम 12 क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या बता रहा है। हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। कहता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 6-3-1। दे एडमिट डी इन टू द पार्टनरशिप विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। डी का एडमिशन हुआ है और न्यू प्रॉफिट रेशियो कहता है कि ABCD का 3-3-3-1 हो जाएगा। फाइंड द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये कहता है बताओ सेक्रीफाइसिंग। सर न्यू रेशियो क्यों नहीं बता पूछ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें थोड़ा निकालना है। तो ये लीजिए, आपका पार्टनर्स का नाम हम लिख लें यहाँ पे, पार्टनर्स का नाम। ये केस हमने पिछली क्लास में किया था, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और फिर यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग। हमने बताया था सेक्रीफाइस तब होगा जब ओल्ड बड़ा होगा, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू आपका, ठीक है ना। जरा बताओ पार्टनर्स के नाम क्या है यहाँ पे, ABC और D। ABC पुराने पार्टनर हैं, डी नया आ रहा है। ABC का जो रेशियो है मेरे बच्चे वो 6-3-1 का, यानी कि 6/10, 3/10 एंड यहाँ पे 1/10 आपका 6-3-1। न्यू पार्टनर्स डी का जो एडमिशन आपका हुआ है वो कहता है कि 3-3-3-1, इसके बाद न्यू रेशियो हो जाएगा, यानी कि 3-3-3-1 मतलब 3/10, 3/10, 3/10 एंड 1/10। बोलता बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आएगा, आओ ना इसमें हम फटाफट काम कर लें। ओल्ड माइनस न्यू यानी कि 6/10 माइनस 3/10 आपका, इनका देखो 3/10 माइनस 3/10, इनका 1/10 माइनस 3/10, और इनका तो कोई सेक्रीफाइस होता नहीं है। बट मेरे बात ध्यान सुनना, इनका कोई सेक्रीफाइस होता नहीं है क्योंकि ये तो पहले जीरो थे और आज 1/10 ले रहे हैं, तो सेक्रीफाइस कैसे करेंगे। लेकिन अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का मन भी कर जाए तो जीरो में क्या करना, 1/10 को माइनस कर देना, मतलब पहले कुछ नहीं था अब 1/10 है। तो एक तरीके से क्या सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, गेन करेंगे, और इनका गेन क्या होगा जी, वो आपका इनके टोटल शेयर के बराबर। हमने पिछली क्लास तक में इनका गेन नहीं निकाला था, इनका हम रेशियो नहीं निकाला करते थे क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं था। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है ये भी सीख लो। आप मुझे बताओ, मैं पहले कुछ नहीं लिया करता था और अब मुझे 1/10 मिलेगा, तो जितना मेरा शेयर है सारा का सारा क्या है जी, मेरा गेन है। ये कन्फर्म्ड है इनका गेनिंग निकल के आएगा। ये देखो ये कितना आ गया, 3/10, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इनका जीरो आ गया बच्चे, कोई सेक्रीफाइस कोई गेन नहीं है। इनका चेक करो माइनस 2/10 निगेटिव आ गया, यानी कि ये गेन कर रहे हैं। और ये देखो जीरो माइनस ये, यानी कि ये भी आ गया माइनस 1/10, ये भी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ऑब्वियस बात है, आप ध्यान देना, जितना आप सेक्रीफाइस करोगे, जितना आप सेक्रीफाइस करोगे उतना ही तो हम गेन करेंगे। तो 3/10 जो आपने छोड़ा उसमें 2/10 इनको मिल गया, 1/10 आपको इनको मिल गया। सर आज आप दूसरे तरीके समझा रहे हो। नहीं बच्चे, ना ना ना,
मैं तो पिछली क्लास की जो बातें थी उन्हीं को एक और तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। कोई दुनिया वाले पूछे तो कह देना कि भैया जितना रोटी मैं छोड़ूंगा उतना ही तो ये गेन करेंगे, तो जितना इन्होंने गेन किया और जितना इनका शेयर है, मतलब जितना गेन किया इन दोनों को ऐड करो, ये निकल के आपका आ जाएगा। तो पिछली क्लास में जो हमने कहा था ना कि सेक्रीफाइस जो होगा इनका, वो हमने पिछली क्लास से पता क्या बोला था, इनका जो सेक्रीफाइस है 3/10 और इनका जो गेन है -2/10 अगर करो तो ये 1/10 यानी कि इनके शेयर के बराबर आ जाएगा। मतलब इनका जो सेक्रीफाइस गेन है उनका प्लस माइनस करके इनका वही निकल के आ रहा है। इसमें से इतना आपने गेन कर लिया, बाकी हमने गेन कर लिया। गेन देख लो चाहे यहाँ देख लो, क्या फर्क पड़ता है, समझने समझाने का तरीका है। आप ऐसे भी कर लो वैसे भी करो, गलत कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप आओ जरा मैं 13 क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा फिर से लैंग्वेज पे क्वेश्चन आपका बेस्ड है, हमें हर एक चीज़ को हर एक तरीके से समझना होगा ताकि कहीं पे कोई हमें लैंग्वेज में परेशान करने की कोशिश करे तो वो उसमें सक्सेस पा ना पाए। बस मेरा मकसद सिर्फ इतना ही आपके साथ है। तो आइए जरा हम एक बार 13 क्वेश्चन देखते हैं, क्या बता रहा है आपको यहाँ पे, सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। लिखो यहाँ पे पार्टनर्स का नाम है, पार्टनर्स हैं, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं तो ओल्ड माइनस न्यू होगा। और यहाँ पे पार्टनर्स जरा पढ़ना कौन कौन से हैं, कहता है एल एम एंड एन, एल एम और एन तीन पार्टनर्स हैं। जरा बताओ ओल्ड रेशियो क्या बता रहा है, सर 5:3 यानी कि इनका 5/8 है और इनका कहता है कि 3/8 है, इनका नहीं है, ये 5/8 का इनका रेशियो था। कहता है क्वेश्चन में आगे पढ़ना, उन्होंने दे एडमिट एन एंड डिसाइड, बहुत ध्यान से बातें सुनना, दे एडमिट एन एंड डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल एंड एम। ये क्या बोल रहा है, बोलता है कि न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। सर ये क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल बात है, मैं आपको समझाता हूँ, आप इसको ऐसे छोड़ दो और यहाँ पे आओ। जरा बताओ प्रॉफिट, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे समझते हुए, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो साथ साथ लिखेंगे बिटवीन एल एंड एम, बताओ कितना है, एल एम का 5:3 यानी कि 5:3 है। पर बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कहता है आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन लास्ट में, दे एडमिट एन एंड डिसाइड दैट प्रॉफिट रेशियो बिटवीन एम और एन। कहता है कि एम और एन, एम एंड एन के बीच में जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो कहता है विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल एंड एम। ध्यान से, कहता है कि एम और एन, मतलब एल एम के साथ जो एन आएगा, कहता है कि एम और एन के बीच में प्रॉफिट रेशियो ठीक वैसा ही होगा जैसे एल और एम के बीच में था। सर इसका क्या मतलब निकल के आता है, मैं बता दूं, एम और एन के बीच में कहता है कि आपका विल बी सेम या विल बी सेम एज इन एज बिटवीन एल एंड एम। देखो इसका मतलब क्या होता है, जरा बताओ कि एम शेयर इन प्रॉफिट, अगर मैं चेक करूं विथ रिलेशन टू एल, जरा बताओ ये जो एम का शेयर है, एम का शेयर वो एल के शेयर का कितना परसेंट है, मतलब सर 3 जो है वो 5 का कितना परसेंट है, इनटू 100% निकालने के लिए 60%। अभी ध्यान देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, खामखा इतना लिख रहा हूँ, कोई इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बस समझा रहा हूँ थोड़ा सा। कहता है कि जो एग्जिस्टिंग रेशियो एल और एम के बीच में है, एम और एन के बीच में जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। मतलब अगर एल का 60% आप ले रहे हो, एल को जितना मिल रहा है उसका 60% अगर एम को मिल रहा है, तो एम को जितना मिलेगा उसका 60% कौन लेगा, एन लेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एन शेयर
इन प्रॉफिट अगर हम देखें ऑफ फर्म, तो कहता है कि भैया जितना जितना यहाँ पे एन को मिल रहा है, एन को कितना मिल रहा है जी, सॉरी क्या नाम है, जितना एम को मिल रहा है, एम को कितना मिल रहा है 3, इसका 60% आप लोगे, यानी कि आ गया 1.8, यहाँ लिख देता हूँ, शायद ना दिख रहा हो, 1.8 आपका। दोबारा समझिए, मैं आपको समझाऊँ इसका मतलब क्या है। यहाँ देखो मैं समझा रहा हूँ, लिखना नहीं है। एल एम और एन तीन पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 5:3 का है। क्वेश्चन कहता है कि जो रेशियो का रिलेशन इनके बीच में है, वही रिलेशन कहता है कि इनके बीच में होगा। मतलब इनका साफ साफ शब्दों में बताने के बजाय कहता है कि जिस प्रोपोर्शन में इसका ये है, उसी प्रोपोर्शन में इसका ये होगा। तो चलो बताओ 3 जो है वो 5 का कितना है, तो 3/5 × 100, ये हो गया मेरे बच्चे 60%, ये हो गया 60%। तो ठीक है, एन का भी जो शेयर होगा वो एम का, एम को जितना मिल रहा है 3 का, कितना होगा जी 60% होगा, यानी कितना आ गया 1.8 आ गया, 1.8 आ गया। वही लिखा हमने, एग्जिस्टिंग रेशो 5:3 है, और कहता है कि एम और एन जो नया पार्टनर है उसमें वही शेयर रहेगा, वही परसेंटेज रहेगा जो एल और एम के बीच में था। तो एम का जो शेयर था अगर हम एल के रिलेशन में चेक करें तो 60% था, मतलब जितना आपका था उसका 60% हमें मिलता था। तो एन का जो शेयर होगा वो क्या होगा जी 3, यानी कि जो आपका एम है इसका भी 60%, यानी कि 1.8 हो गया। तो यहाँ पे आपका कहा जाए, मैं आप इसके नीचे लिखना, मैं इधर लिख देता हूँ कि न्यू प्रॉफिट रेशियो जो हो जाएगा 5:3:1.8 हो जाएगा आपका, यानी आप इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और फ्रैक्शन अगर नहीं चाहते हो तो आप इसको और एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो मैं इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो शायद ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ताकि ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन अगर फ्रैक्शन नहीं चाहते तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, और 1.8 × 5 ये आ गया 9 आपका। तो मेरे बच्चे हमने तीनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फ्रैक्शन वाला पॉइंट ख़त्म हो जाए। एग्ज़ाम में इतना लिखोगे तो भी ठीक है, ये कर दोगे तो भी ठीक है। तो अब हमारे पास न्यू रेशियो जो आ गया वो हो गया 25:49, यहाँ पे आपका 15:49, और यहाँ पे हो गया 9/49। तो आओ जरा अब हम देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 5/8 − 25/49, और यहाँ पे 3/8 − 15/49। या तो इसका सेक्रीफाइस निकालो ही ना, अगर निकालोगे तो क्या करेंगे 0 − 9/49 आपका, है ना, क्योंकि पहले कुछ था नहीं, सारा का सारा का गेन ही होगा। जरा बताओ ये कितना आ जाएगा, मैं 49 और 8 का अगर एलसीएम निकालूं, मान लो ये 392 आ रहा है, पता मैं कैसे निकालता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने के बजाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो फिगर आएगा वो फिगर इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, ये भी कर सकते हो, या सिंपल है तो एलसीएम निकाल लेना अपना जैसे निकालते हो। तो 49 × 5, और इसमें से हम 25 अगर हटा, माफ़ कीजिए कितना था भुला दिया, 49 × 5 ये आ गया 245 माइनस यहाँ पे 8 × 25 200। तो सेक्रीफाइस आ गया आपका 45/392, इनका चेक कर लेते हैं, 392 49 × 3 ये हो गया 147 माइनस 15 × 8 ये आ गया 120। तो इनका 27/392 आ गया सेक्रीफाइस, और इनका अगर सेक्रीफाइस कोई बोले तो ये तो गेन है, और गेन कितना जी −9/49। तो आओ जरा अगर आपसे कोई पूछता है बताओ न्यू रेशियो, तो बता दिया, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इनका निकल के आता, इनका तो सेक्रीफाइस है नहीं, यानी कि 45:27, और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 9/5 = 9/3 हो गई बात आपका, 5:3।
तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई इतना बड़ी बड़ी बात नहीं है, बस एक लैंग्वेज था। वो ऐसे भी कह सकता था सिंपल शब्दों में कि भैया जितना शेयर आपका एम का है उसका 60% एन लेगा, बट ऐसा बोलने के बजाय उसने कहा कि नहीं जी, जो इनका परसेंटेज इन पे है वही परसेंटेज अप्लाई करो। लैंग्वेज है, किसी तरीके से बोल सकता है, लेकिन ये तो पक्का है कि जितने क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर रहे हैं उनके सिवाय कुछ अलग से वो बातें नहीं पूछेगा। ये बल्ब क्यों लग रहा है कि ऐसे ऐसे कर रहा है, अभी किया था ना एक बार बग ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या लगता, कोई यहाँ पे भूत है। कल मैं हॉरर मूवी देख रहा था, रात के 1 बजे तक मैंने देखा हॉरर मूवी, और उस मूवी में मुझे हॉरर समझ में नहीं आया कि हॉरर क्या है। जब मैं सोचा था कि मैं डरूंगा, तब वो कोई कॉमेडी सीन कर देता था भूत, और फिर मैं हंसने लगता था, और पूरी रात मैंने ख़राब कर ली अपनी पूरी रात। हॉरर मूवी पहले मज़ा होता था, पहले मस्त आते थे हमारे ज़माने में। हमारे ज़माने में जब हॉरर मूवी होता था ना बच्चे, तो वो आपका जो भूत होता था उसके चेहरे बड़े खूंखार होते थे, पता नहीं क्या क्या उसके चेहरे पर होता था, इतना बड़ा बड़ा चेहरा होता था, हाथ इतने बड़े बड़े होते थे, नाखून बड़े होते थे, ऐसे ऐसे चला करता था, मस्त था वो भूत हमारे टाइम का। आज के टाइम का भूत तो दिखता ही नहीं है, वो आता है थोड़ा सा दिखता फिर गायब हो जाता है, वो बाल सहलाता है, बाल सहलाता है, बताता है कि मैं यहाँ पर, हमारे टाइम पे बाल थोड़े सहलाता था, सीधे मारता था, ख़त्म हो जाता था हीरो हीरोइन। अब आज के पूरे मूवी में देखो तो भूत जो है वो हीरोइन का चाहे हीरो का वो बाल सहलाता है, बताता है कि मैं हूँ यहाँ पे हूँ, और एंड में आके बोलता है कि मैं ऐसे मरा वैसे, ऐसे थोड़ा ही होता है। अरे भूत हो तो पूरी मूवी में आओ ना, हमें थोड़ा मज़ा आएगा देखने का। बकवास सी मूवी, कितना बचपन में मैं इंजॉय करता था भूत वाली मूवी, लेकिन सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, न भूत रहा वैसा न मूवी रही वैसी, बकवास मूवी बनाते हैं। मस्त भूत था हमारे टाइम पे, वो कब्रिस्तान से निकल जाता था, वो शराब पीता था, बहुत कुछ करता था, मजा आता था। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, आप आओ मेरे साथ। देखो 13 के बाद आपको एक डिफरेंस बताया जा रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का और न्यू प्रॉफिट रेशियो का, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। न्यू रेशियो क्या होता है जी, जो अब अपडेटेड मतलब नया एग्रीमेंट के मुताबिक रेशियो रहा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ या शेयर ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाई पार्टनर्स आपका, ये होता है ना। हम फिर उसके बाद बता देंगे कि न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, तो ओल्ड में सेक्रीफाइस को माइनस करने के बाद। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा जी, तो ओल्ड माइनस न्यू आपका, ये सब बताएंगे हम आपका। ये कभी एग्जाम में आ जाता है, तो ये थोड़े कि हम एक ही चीज़ को बार बार जैसे बोलेगा करेंगे, पढ़ो ना क्या बता रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में, न्यू रेशियो के बारे में। पहला मीनिंग कहता कि इट इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स अग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स। और न्यू रेशियो का मतलब क्या जी, इट इज द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर्स शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेज। तो पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालने में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे, क्योंकि नया पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं, वो तो गेन कर रहा है मेरे बच्चे। इसलिए जब हम रिलेशन देखते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कौन कौन से पार्टनर्स होंगे, तो टू द मैक्सिमम सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स हो सकते हैं, नया पार्टनर्स नहीं हो सकता। लेकिन न्यू रेशियो में तीनों पार्टनर्स का नाम आता है, ओल्ड का भी न्यू का भी, तो वो आपका वो बता रहा है। और तीसरा डेफिनेशन है, कैलकुलेशन है, तो ये बातें अब मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं जानता हूँ कि आप ये बातें अब जानते हैं, अभी बात जानते हैं, मैं इसे कहीं दूर आपको लेके चलना चाहता हूँ आज की क्लास में। और मेरे बच्चे आज की क्लास में जब हम आएंगे तो हमारा जो काम होगा ना, हमारा काम वो होगा आपका, लिखिए जरा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आओ देखते हैं कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पहले पढ़ा था, तब जब हमने वो आपका क्या नाम है उसका जी, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो में हमने देखा था। पर बच्चे कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, आप बिलीव कीजिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है यहाँ भी, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे जब कोई पार्टनर आता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आगे फ्यूचर में कोई झगड़े ना हो। अगर झगड़े पार्टनरशिप में हो गए मेरे बच्चे, तो मेरे और आपके पढ़ने पढ़ाने कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हमारा काम पूरे इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होगा, हम लोग क्या करेंगे पार्टनरशिप में होने वाले जो झगड़े हैं उनको ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन बोलेगा तो भी, नहीं बोलेगा तो भी, क्योंकि हमें झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, हम बहुत प्यारे बच्चे हैं। आइए जरा मैं आपको थोड़ा समझाऊँ इसको एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ आपका।
लिखो यहां पे, देखो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं। मान लो ए और बी पहले से दो पार्टनर्स थे, इनके बीच का रेशियो आपका 3:2 का था, 3:2 का। मेरे बच्चे यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, एक नया पार्टनर एडमिट किया हमने, मान लो ये 1 अप्रैल 2018 है, मान लो यहां पे हमने एडमिट किया, और इसके बाद जो ए बी सी इनके बीच का रेशियो होगा वो मान लो आपका 6:2, या ऐसे कह दो कि हमने यहाँ पे सी को एडमिट किया है। आप भी डायग्राम बना लो समझने के लिए, ऐसे करेंगे, सी इज एडमिटेड, हमने यहाँ पे सी को एडमिट किया है एज न्यू पार्टनर, एज न्यू पार्टनर हमने सी को एडमिट किया है एज न्यू पार्टनर, सी को एडमिट किया एज न्यू पार्टनर, और यहाँ पे कहता है कि वन बाई फोर शेयर के लिए, मतलब फ्यूचर में हम इसको 1/4 शेयर आपका देंगे। लिख लो पहले यहां पे, सी को एडमिट किया गया न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर आपका यहां पे। और फिर अब जरा देखो, जब आप न्यू रेशियो निकालोगे ना तो यहां पे 9:6:5 आ जाएगा। न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया हुआ है, अभी मैंने ज़्यादा उस पर वजन नहीं डाला, मेरे दिमाग में ऑलरेडी उस कैंसर था, मैंने इसलिए कर दिया। आप घर में कर लेना, न्यू रेशियो ये निकल के आएगा तो आपका 9:6:5 निकल के आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप मेरी बात ध्यान सुनो, मैं आज आपको गुडविल का वैल्यूएशन नहीं समझा रहा, क्योंकि वैल्यूएशन तो हम पहले सीख चुके मेरे बच्चे फंडामेंटल के अंदर में। वैल्यूएशन चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, किसी में भी गुडविल को वैल्यू करना होगा तो वही तरीका था, एवरेज प्रॉफिट आपका, सुपर प्रॉफिट एंड पता नहीं क्या क्या, हम उसके बारे में बात नहीं करते। मेरी बात ध्यान सुनो, हम ट्रीटमेंट पे आ रहे हैं, पहले ट्रीटमेंट को समझने के पहले मेरी बात सुनना, बताना जो बात बोल रहा हूँ वो लॉजिकल है कि नहीं। आप जरा यहाँ देखो, ये जो पास्ट था, ये पास्ट मतलब आज के पहले का दिन, मुझे बताओ इन पास्ट में जो आपका फर्म चलती थी, इस फर्म के अंदर में कस्टमर को बनाने में मेहनत कौन क्या करता था, बोलो बोलो। ये पास्ट में जो मेरे बच्चे मेहनत होता था, बताओ वो मेहनत कौन करता था, सर सिर्फ ए और बी आपका करते थे। मेरे बच्चे जरा बताओ, 1 अप्रैल के बाद मेहनत कौन करेगा, सर तीनों करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज के पहले का जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट हमने जो भी कुछ कमाया था हम आपस में 3:2 में डिवाइड किया करते थे। आज के बाद हम जो भी मेहनत करेंगे उसका जो भी प्रॉफिट हमारे पास आएगा हम तीनों मिलके 9:6:5 में डिवाइड करेंगे न्यू रेशियो में। बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, यहाँ तक कोई डिस्प्यूट है नहीं मेरे बच्चे। डिस्प्यूट कहाँ उठेगा कि जो पास में हमने जो मेहनत किया था और उन कस्टमर का प्रॉफिट जो फ्यूचर में आएगा, जो कस्टमर हमने पहले बनाए थे वो भी तो आगे आएंगे, और उनके उनके आने से सेल हमारा बढ़ेगा, सेल होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, और वो प्रॉफिट जो होगा हम तीनों आपस में इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। मेरे बच्चे यहाँ पे बातें खटकेंगी, यहाँ पे झगड़े होएंगे, पता है क्यों, क्योंकि वो कस्टमर जो हमने पास्ट में बनाया था, ये कस्टमर जो हमने पास्ट में बनाया था, अब ये कस्टमर जो फ्यूचर में आएंगे और इन पे जो मेहनत हुआ था मेरे बच्चे 3:2 में हुआ था, हम लोगों ने इन कस्टमर पे मेहनत इस तरीके से किया था, लेकिन फ्यूचर में जो प्रॉफिट के रूप में ये आएंगे वो हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। गारंटी के साथ ए और बी को ये बात खटकेगी कि हमारी मेहनत रखे रखे यहाँ पे सी क्या होगा जी, इंजॉय करेगा, बेनिफिट लेगा। सी अभी अभी आया है, पास्ट में जो हमने कस्टमर क्रिएट किया था उसका फ्यूचर में जो बेनिफिट आएगा वो बैठे बैठे सी उसमें फायदा ले लेगा बिना कुछ मेहनत किए बगैर। और मेरे बच्चे ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम यानी कि हम और आप, पता है क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो ए बी के बीच में एक ना दिमाग में बातें उड़ जाएंगी और वो कल को डिस्प्यूट्स बन सकता है, झगड़े हो सकते हैं, हमें झगड़े खत्म करने। तो देखो मैं क्या करूंगा, देखो हमारा तरीका क्या होगा, हमारा फर्ज होगा कि जो पास्ट में आपने मेहनत किया था उसका फ्यूचर में टोटल बेनिफिट कितना आएगा उसको वैल्यू करना। और उस वैल्यू को याद कीजिए, हम लोग गुडविल के नाम से जाना करते थे, तो मैंने गुडविल ऑफ फर्म यहां पे कहता है कि वैल्यू किया, हमने वैल्यू किया कि फर्म की गुडविल कितनी है, मान लो वो 2 लाख रुपए मेरे बच्चे, 2 लाख का अमाउंट। सुनो ध्यान से, इस 2 लाख का मतलब क्या होता है, इस 2 लाख का मतलब होता है कि पास्ट में जो हम लोगों ने मेहनत किया था
उसका फ्यूचर में जो टोटल बेनिफिट आएगा, टोटल बेनिफिट वो 2 लाख रुपए का होगा, ये गुडविल होगा। अगर झगड़े, अगर डिस्प्यूट्स हमारे बीच में हो सकते हैं तो सिर्फ इस 2 लाख रुपए को लेकर हो सकते हैं, और हम कभी भी इस फॉर्म में ऐसा नहीं होने देंगे। तो पता हम क्या करेंगे, इस 2 लाख रुपए से झगड़ा खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, आइए जरा मैं आपको सोल्यूशन में आपको मैं टेबल एंट्री के थ्रू दिखाऊं। टेबल एंट्री अभी कुछ भी दिमाग में नहीं बोलना, बस सुनो मेरी बात। मैं यहाँ पे लिखूं जी ए बी एंड सी, ठीक, वैसे जैसे हमने आपका पिछले चैप्टर में किया था। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये 2 लाख रुपए जो है वो किसका है, इस पे मेहनत किसने किया है, ए और बी ने। किस रेशियो में मेहनत किया है, 3:2 में। तो मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, ओल्ड रेशियो में मैं पार्टनर्स के बीच में क्रेडिट कर दूंगा। क्रेड का मतलब होता है कि इस 2 लाख में आप लोगों की हिस्सेदारी कितनी कितनी है। मेरे बच्चे 120 आपका हो गया और 80,000 आपका हो गया। आपका तो कुछ है नहीं इसके अंदर में, पहले थे ही नहीं। लेकिन मुझे बताओ फ्यूचर में ये 2 लाख रुपए कौन लेके जाएगा, सर तीनों पार्टनर्स, किस रेशियो में, 9:6:5। तो मेरे बच्चे आने वाले समय में इसको जो न्यू पार्टनर्स वो न्यू रेशियो में विड्रॉ यानी कि डेबिट करेंगे आप। तो जरा बताओ 2 लाख में कितना कितना हो जाएगा। मैं वो झगड़ा जो हमारे और आपके बीच में हो सकता है उसको मैं खत्म कर रहा हूं। ये 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है डिवाइडेड बाय 20 × 9, बच्चे इनका हो गया 90,000, इनका कितना हो जाएगा जी 60,000, और यहां कितना हो गया 50,000। आप समझो मेरी बात ना, मैं आपको दोबारा बता दूं क्या मतलब निकल के आ रहा है। ये देखो बच्चे मैं इसी को एक क्वेश्चन ग्रुप में कन्वर्ट करता हूं। आओ जरा हम इसी को एक क्वेश्चन ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। आप यहीं लिखिए मेरे साथ, यहां पे आप लिखेंगे मेरे साथ। कहता है देखो, सी को हमने यहां पे एडमिट किया है एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। फर्म की जो गुडविल वैल्यू की गई है, आप एक काम करना, ये फर्म जो है ना इसको कर लो आप अंडरलाइन, ये पूरे फर्म की गुडविल है, मतलब ये पूरे फर्म की गुडविल है, किसी एक आदमी के नहीं है 2 लाख रुपए। कहता है यहां पे कि सी ब्रिंग्स कैश। अब देखो आप खुद सोचो, सी अभी तक हमारे बिजनेस में था नहीं मेरे बच्चे, वो आज ही एडमिट हुआ है। जब वो बिजनेस में आज एडमिट हुआ तो हमने सी से क्या पैसा मांगा होगा, क्या कैश मांगा होगा, एक तो कैपिटल का पैसा, समझो मेरी बात। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो हम कैपिटल लेंगे ना, पार्टनर हमने क्यों बनाया, पैसे के लिए। तो आप तो एक तो कैपिटल लेकर आओ जी, मान लो कहता है कैश ₹7 लाख कैश ले आया फॉर कैपिटल, मतलब एज कैपिटल वो कैश कितना लेके आ रहा, 7 लाख। एंड इसके साथ साथ जरा बताओ, हम ये भी तो आपसे मांगेंगे, ये 50,000 भी तो आपसे मांगेंगे, क्योंकि जब आपको बैठे बैठे आगे फायदा होगा तो वो 50 आप हमें क्या करोगे जी, दोगे। ध्यान देना, जितना आप फ्यूचर में गेन करोगे बैठे बैठे उतना आपको देना पड़ेगा। तो एक तो 7 लाख कैपिटल का एंड ₹50,000 हमारे क्वेश्चन के मुताबिक 50,000 एज प्रीमियम हम मांगेंगे जी फॉर गुडविल। मतलब गुडविल में आपका जो शेयर है, जो आपको फायदा होगा फ्यूचर में, उसका 50,000 आपको ला के देना पड़ेगा। तो 7 लाख आपका ये 50,000 रुपये ये बोलता, बताओ आप इसकी एंट्री क्या करोगे। मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ और ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम में कैसे करना है, स्कूल में कैसे करना है, स्कूल वाले मास्टर जी कैसे कराएंगे, वो बात की बात है, मैं अभी उन पर नहीं जा रहा। मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको दे दूं, ताकि आज तो आप 12th क्लास में हो, आज जब आप इससे आगे निकलोगे CA, CMA, CS, BCom, MBA, पता नहीं क्या क्या करना है, तो आप कहीं भी परेशान ना हो। कॉन्सेप्ट वो होता है बच्चे, वो मैं आपको पहले दूं, फिर मैं आपके एग्जाम में आऊंगा। तो एक तो हमने 7 लाख रुपये ये मांगा, 50,000 रुपये हमने क्या किया जी, गुडविल का मांगा। आप लिखो मेरे साथ, यहाँ पे लिखिए मेरे साथ, आपका जो पेज होगा ना रजिस्टर, एक काम करना रजिस्टर का नया पेज लो, इस पेज में जितना जगह बच गया छोड़ दो उसको, आप हम बाद में यूज कर लेंगे, छोड़ दो, आज चिंता ना करो पेज का, नया पेज लो और नए पेज को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, दो पार्ट में।
ये आपका पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। मैं लिख दो यहाँ पे, ये जो पहला वाला पार्ट है ना, ये पहला वाला पार्ट लिख दो फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ये पहला वाला पार्ट आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और ये दूसरा वाला पार्ट फॉर आपका एग्जाम, यानी कि एग्जाम में स्कूल में क्या करना वो हम आपको यहाँ पे करा देंगे ताकि दोनों की क्लैरिटी आ जाए। आओ पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में क्या होगा। सुनो मेरी बात, देखो ये सी जो है 7 लाख कैश लेके आ रहा है बिजनेस में, और 50 और गुडविल का, मतलब टोटल 750 ला रहा है। मेरे बच्चे बिजनेस में कैश जो है ना, आप उसको बढ़ा दो, कितना आ गया जी 7,50,000। इसमें से ये पैसा कौन लेकर आया है, सी ना, तो आप कह देना टू सीज कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल दिमाग में आप इफ और नहीं आने देंगे। आपने स्कूल में अगर पहले से कुछ पढ़ लिखा है तो उसको भी छोड़ दो आप, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने क्या किया, सी को बोला कि सी आप नए बिजनेस में आ रहे हो, हमारे साथ मिल रहे हो, तो एक तो कैपिटल का पैसा आपको देना पड़ेगा और एक प्रीमियम का पैसा देना पड़ेगा, गुडविल का पैसा यानी कि। तो टोटल पैसा कितना आ गया 750। ठीक है, पहली एंट्री आपकी होगी, दूसरी एंट्री पे आप आओ। दूसरी एंट्री मुझे बताओ, ये जो 750 आया है, ये जो 750 आया है, इस 750 में जो 50,000 है, ये देखो आपका गुडविल वाला पैसा, क्या सी वो पैसा लेकर आया अपने लिए? बोलो बोलो, जो गुडविल के नाम पे वो पैसा लेकर आया है, क्या अपने लिए लाया है या फिर वो पैसा लाया है ए और बी को देने के लिए? सर सी जो ये पैसा लेकर आया था ना सर, वो ए और बी को देने के लिए लाया सर, क्योंकि सी जितना गेन करेगा आज वो लाएगा और वो पैसा ए बी को मिल जाएगा। मेरे बच्चे फिर वही काम करना, इमीडिएटली बिना देर किए बगैर सी के कैपिटल को आप डेबिट कर दो। मतलब सी का कैपिटल में जो आपका 50,000 का अमाउंट है गुडविल वाला, आप उसको हटा दो और बिना देर किए बगैर वो पैसा ए के अकाउंट में ऐड कर दो, एज कैपिटल अकाउंट में, और दूसरा आपका टू बीज कैपिटल अकाउंट में, टू बीज कैपिटल अकाउंट में। हमने क्या किया, ये 50,000 जरा बताओ ए और बी में हम ऐड कर रहे हैं, ए बी कौन है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था। ये देखो ए फ्यूचर में 30,000 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी जो है फ्यूचर में 20,000 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आप जितना जितना सेक्रीफाइस करोगे उतना उतना पैसा आज हम दे देंगे ताकि बाद में आपके दिमाग में कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो। लीजिए हमने काम पूरा किया, पहली एंट्री में हमने सी से पहले बिजनेस में पैसा मंगाया 7 लाख कैपिटल का, 50,000 रुपये गुडविल का, और दूसरी एंट्री में मेरे बच्चे सी के अकाउंट से 50 निकाल कर हमने ए बी में क्या क्या ऐड कर दिया। मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मेरा काम समझाना है, मैं इसको एक बार दिखा दूं कि अगर हम एक बैलेंस शीट दिखाएं, ये लिख दो फिर ओनली फॉर मी, मतलब ये एग्जाम में कभी भी बैलेंस शीट नहीं बनाना, ये तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है। ये देखो आप बैलेंस शीट में इंपैक्ट, जरा इस दोनों एंट्री को देख के बताओ बिजनेस में कैश कितना आया 750। तो एक्चुअली कैश जो बिजनेस में आया ना बच्चे, जो सी लेकर आया है, वो 7,50,000 लेकर आया है, लेकिन 750 में से एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, अब मैं देखो 7.5 लाख में ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, नजर यहां नजर यहां नजर यहां, ये देखो हमने सी में 750 बढ़ाया था और 50 फिर कम कर दिया। 7,50,000 रुपये जो एज कैपिटल लेकर आए थे, हमने उसमें से 50,000 रुपये निकाल दिया, तो बताओ सी के अकाउंट में कितना रह गया 7 लाख। ये देखो ए के अकाउंट में हमने कितना ऐड कर दिया 30,000, और बी के अकाउंट में कितना ऐड कर दिया, ओहो माफ कीजिए, ये कितना था 20,000, 20,000 था ना बी का आपका, तो बी में कितना ऐड कर दिया 20,000। लो हमारा बैलेंस शीट यहाँ पर टैली कर गया, यानी कि अगर दुनिया वाले पूछते हैं कि जरा बताओ सी के आने पे क्या हुआ, तो आप उनको बताना कि टोटल कैश हमारे बिजनेस में 7.5 लाख रुपए आया है, लेकिन 7,50,000 में से सी के नाम पे सिर्फ 7 लाख रह गया, ए को 30,000 और बी के अकाउंट में हमने क्या किया 20,000 ऐड कर दिया। ये 30,20 वो अमाउंट है जो ए बी ने कमाया था और फ्यूचर में सी लेगा, तो आज ही हमने क्या किया डिस्प्यूट को खत्म किया। दोबारा सुनिए, टोटल कैश 750 आया बिजनेस में, ये देखो 7.5 लाख कैश बढ़ गया, इसमें से सी के नाम पे सिर्फ 7 लाख रुपए रह गया,
ऐसे तो सी 7.5 लाख लेकर आया था, लेकिन 50 हमने उसके अकाउंट से निकाल दिया तो अल्टीमेटली कितना रह गया 7 लाख, और इसमें 30,000 इनके अकाउंट में, इनमें 20,000 हमने ऐड कर दिया तो 750 हमारा हो गया, झगड़े खत्म हो गए। एक को आज हमने 30,000 रुपये दे दिया, दिया मतलब उनके अकाउंट में ऐड कर दिया कि भैया आगे आपको कम मिलेगा, कोई बात नहीं आज ले लो, बी के साथ भी ऐसा ही हुआ और झगड़े खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब ये जो 2 लाख रुपए है ना बच्चे, जब फ्यूचर में प्रॉफिट बन के आएगा और जब तीनों इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि जो घाटा फायदा था आधी हमने एडजस्ट कर लिया आपका यहाँ पे। ये हुआ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन अब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपके एग्जाम में कहते हैं कि भैया इतना मत समझो, आपको दो तीन एंट्री रटा दिया जाएगा, वो रट लो काम पूरा हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा काम कभी भी नहीं करोगे। मैं अब इन्हीं एंट्रीज को मेरे बच्चे आपके एग्जाम के लिए, मतलब आपकी क्लास के लिए, आपके रेगुलर प्रैक्टिस में चेंज करता हूँ, कि जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सुनो ध्यान से, मैं एंट्री लेकर आता हूँ। देखो आपकी बुक में क्या है, एक तो पहले कैश लाने की एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिटेड कितना आ गया 7,50,000, और ये जो सीज कैपिटल अकाउंट है ना, यहाँ लिखो टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब 750 के बजाय ये देखो जितना कैपिटल के नाम पे पैसा लेकर आए हो बस वही लिखो, यानी कि 7 लाख का अमाउंट। और जो 50,000 आप ज्यादा लेकर आए थे ना, उसको सी के कैपिटल में ऐड करने के बजाय उसको यहां लिखो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब आप एंट्री में बताओ कि भैया ये पैसा जो आपका है ना 50,000, वो कैपिटल का पैसा नहीं है, वो गुडविल, मतलब जो आगे आप कमाओगे उसके बदले में आप पैसा लेकर आ रहे हो, तो कोई बात नहीं हमने ये कर दिया। अगली एंट्री में नज़र यहाँ, ये देखो इसमें 50,000 हमने कैपिटल में ऐड किया था तो कैपिटल को डेबिट किया था, 50 जो था हमने कैपिटल में ही ऐड किया था तो कैपिटल को डेबिट किया था। इस बार हमने वो 50 प्रीमियम के नाम पे रिकॉर्ड किया है, तो मेरे बच्चे आप प्रीमियम को डेबिट करेंगे, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जिस नाम को आपने क्रेडिट किया था उसी को डेबिट करो 50,000। चलो बताओ ये 50,000 कौन लेगा, तो सर एज कैपिटल अकाउंट, यानी कि ए लेगा, और दूसरा कौन लेगा जी, बी लेगा। कितना कितना, जितना जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, बात समझो, जितना जितना आप लोगों ने सेक्रीफाइस किया है मेरे बच्चे, उतना उतना हम क्या करेंगे आपको हम दे देंगे, यानी कि ए फ्यूचर में कितना सेक्रीफाइस करने वाला है 30,000, बी फ्यूचर में कितना सेक्रीफाइस करने वाला है 20,000, तो एंट्री हो गया प्रीमियम टू ए बी आपका। आप बिलीव करो, मैं आपको बता दूं इसका भी इंपैक्ट यही निकल के आया, इंपैक्ट वही है क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं लेकिन हम थोड़ा समझते हुए काम कर रहे हैं, बाकी बच्चे उल्टे सीधे काम करेंगे। मैं आपको प्रूफ कर दूं, बैलेंस शीट जो यहां बनेगा लिख दो ओनली फॉर मी, मतलब एग्जाम में नहीं दिखाना सिर्फ आपके लिए, देखो यहां भी वही इंपैक्ट दिखाएगा। यहां देखो अभी सब कुछ भूल जाओ मेरे बच्चे, सुनो मेरी बात। आप बताओ बिजनेस में कैश कितना आया है, सर कैश जो आया है बिजनेस में वो आया है 750, तो ठीक है हमने 7.5 लाख रुपये यहां लिख दिया 750। अब चला ये देखो आप यहां पे, मैं आपको दिखाऊं यहां पे क्या हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट और डेबिट कैंसिल हो गया, क्रेडिट डेबिट आपस में माइनस हो गया, तो अल्टीमेटली क्या रहा, ये देखो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल में 30,000 चला गया, बी के कैपिटल में 20,000 चला गया, और सी के कैपिटल में कितना चला गया 7 लाख का अमाउंट। ये देखो आपका बैलेंस शीट बिल्कुल दोनों में सेम दिख रहा है। यहां भी हम कह रहे हैं कि भैया बिजनेस में 7.5 लाख रुपए कैश आया है, इसमें से 30,000 ए के नाम पे हमने ट्रांसफर किया, पैसा सी लाया था बट ए के लिए तो हमने ए में ट्रांसफर कर दिया, बी का पैसा बी में और सी के कैपिटल सी में 7 लाख रुपए रह गया। हो गई बात, अब समझो मेरी बात यहां पे क्या बता रहा हूं। तो हमें ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, एक्चुअली एग्जाम में स्कूल में आपको ये कराया जाएगा, आप समझना दोनों का मीनिंग सेम है। आप जैसे जैसे बड़े होएंगे आपको फिर ये चीजें हटाकर इसी पे लाया जाएगा, क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट छिपा है। बड़े जब हम हो जाते तो बंदिशें सारी खत्म हो जाती बच्चे, कि ऐसे क्यों करें वैसे क्यों करें, खैर हम उसमें अभी नहीं जाना चाहते, आप प्लीज कॉपी कर लो। तो सर क्या एग्जाम में हमें दोनों दिखाना पड़ेगा, नहीं बदमाश,
अभी तो कहा ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, ये मैंने आपके लिए किया है, आपको एग्जाम में सिर्फ ये करना है, दो एंट्री पास किया, ठीक है। और हाँ, ये टेबल एंट्री भी आपके एग्जामिनर को पसंद नहीं आता, वो कहता है भैया हम ये सब चीज़ नहीं जानते, हमें साफ साफ शब्दों में बता दो ये क्या है, तो पता मैं क्या करूँगा, इनको भी करने के बजाय मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकाल लूँगा और रेशियो पे काम करूंगा। सर कैसे काम करेंगे, मैं दिखाता हूं, अगली बार से ये नहीं दिखाऊंगा, अभी समझा रहा हूं मेरे बच्चे, आपके दिमाग के जो ये जो नस है ना, नसे, उस नसों के अंदर में जो खून है, उस खून के एक एक कण में मैं कॉन्सेप्ट को बैठाऊंगा, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा ना तो अकाउंट्स आपको इतना सिंपल लगना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं, इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, बिजनेस स्टडीज का पेपर होगा, उसमें भी आप अकाउंट्स ही करके आएंगे, मजा आएगा तब, जब सब में हमने अकाउंट्स कर दिया, इकोनॉमिक्स के पेपर में भी, बिजनेस में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, कितना मजा आएगा जब एग्जाम के बाद पापा मम्मी हमें पिटना शुरू करेंगे, और इतना पिटेंगे कि क्या मस्त मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। तो आओ जरा मैं इसको एक और आपको क्वेश्चन में कराऊं, अभी मैं बुक को टच ही नहीं करना चाहता, मुझे गंदा लगता है बुक को टच करना, मैं पहले कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करा दूं, फिर आओ ना बुक सॉल्व करने के लिए, तो पूरे साल हमारे पास पड़े हुए, क्या फर्क पड़ता है, एक साल में क्या पढ़ेंगे, बुक ही तो करेंगे। आओ जरा एक एग्जाम्पल और मैं आपके साथ लेके चलूं, लिखे मेरे साथ यहां पे एग्जाम्पल नंबर टू। अब मैं बिल्कुल आऊंगा कि आपके एग्जाम में कैसे करना है, लिखेंगे एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। कहता है कि जेड इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। एक काम करो, क्या ये तो रेशियो वही हो गया जो पिछले वाला था, इसको चेंज कर लो, इसको कर लो आप यहाँ पे कितना कर दो, 5:3 कर दो, थोड़ा अच्छा लग जाएगा, है ना, 5:3 पहले का है और ये आया जी 1/4 के लिए, ठीक है ना। अब कहता है यहाँ पे, कहता है जेड ब्रिंग्स, ये लाता है, क्या लेगा आएगा जी, ₹8 लैक्स फॉर हिज कैपिटल। एक तो एज कैपिटल वो कितना लेकर आया, 8 लाख, क्या लाया होगा, कैश लाया होगा, एंड कहता है एंड हिज शेयर इन गुडविल ऑफ द फर्म, जो फर्म की गुडविल होगी उसमें से भी वो अपना शेयर लेकर आएगा, और कहता भी क्वेश्चन में कि गुडविल, लिखिए यहां पे गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट रुपीज, बताओ कितना वैल्यू कर लूं, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, चलो कर देता हूं 4 लाख रुपए, मान लो फर्म की जो गुडविल है वो 4 लाख पे वैल्यू किया गया है। बोलता है कि मेक एंट्रीज, आप यहां पे एंट्रीज करो। मेरे बच्चे पहली बार और अंतिम बार मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन कराऊंगा, फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और दूसरा आपका जी वो एग्जाम में, यानी कि स्कूल में क्या करना है, इसके बाद तो फिर बस स्कूल वाली बातें करना हम शुरू कर देंगे। तो आओ जरा मैं स्टार्ट करूं और यहां पे आपका सॉल्यूशन में आ पाएंगे, सॉल्यूशन में मैं पहले काम करता हूं, न्यू रेशियो निकाल दूं। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के पहले कंप्यूटेशन ऑफ यहां पे न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दो। सर पिछले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं निकाला था, अरे पिछले वाले में ऐसे ही मैंने निकाल दिया था, नहीं लिखा था 964, इस बार हम निकाल लेते क्या जाता है। लिखिए मेरे साथ पार्टनर्स का नाम, यहाँ पे पार्टनर्स, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, यहाँ पे न्यू रेशियो और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पार्टनर्स आपके एक्स वाई जेड बता रहा है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो 5:8, यहाँ पे 3:8, जेड कितने के लिए आया, 1/4 के लिए। अब 1/4 के बाद जो रिमेनिंग बच जाएगा, रिमेनिंग कितना बच गया, 3/4, इसको आपस में हम कैसे डिवाइड करेंगे, फ्यूचर में नहीं बता रहा है, तो ओल्ड रेशियो में ही, यानी कि इसका 5/8 आप ले लेंगे, है ना, 5/8, और इस 3/4 का 3/8 आप ले लेंगे, ये पहले हम आपको समझा चुके हैं, यहाँ ले देता हूँ, 1/4 था, तो ये कितना हो गया, 15 बाई
32, यहाँ 9/32, इसको भी 32 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 8/8 यानी कि 8/32। तो जो देखो हमारा न्यू रेशियो क्या निकल के आ गया, न्यू रेशियो 15:9:8। ये बच्चे करना सही किया ना, 15 + 9 = 24 और 8 = 32, ठीक है बराबर आ गया आपका। अब जल्दी से सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दो। सर इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ नहीं निकालो तो पहले फिर तो बताऊंगा। तो सेक्रीफाइसिंग क्या होता है जी, ओल्ड माइनस न्यू, 5/8 - 15/32, ये आ गया बच्चे 5/32। इतना फास्ट, हाँ आप करो मैं बताऊंगा, आप भी कर सकते हो ये काम। ओल्ड 3/8 - 9/32, ये हो गया 3/32 आपका, ठीक है ना। और ये हमारा काम पूरा हो गया, इन्होंने कोई सेक्रीफाइस किया नहीं। अगर निकालूँ तो क्या निकलेगा, गेन निकल के आएगा जी, 0 पहले था, 8/32 तो आपने गेन कितना किया, 8/32, समझ रहे हो ना, जितना आपका उसको गेन कर लिया। अब मैं आपको मस्त तरीके से कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि टेबल एंट्री आपके लिए फॉलो नहीं होता, वो बड़े बच्चों के लिए है। सर हमें क्यों करा रहे हो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए बदमाश। अरे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो दुनिया से अलग निकलोगे आप। आओ मैं आपको बताऊं पहले इसका आंसर उस टेबल एंट्री के थ्रू जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। मैं इसको मिटा देता हूं ना, अभी रखो इसको, फिगर है ना हमारे पास। मैं एक काम करता हूं, मैं टेबल एंट्री निकालता हूं। टेबल एंट्री आप कहो तो मैं इसको मिटा दूं क्या, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। इस रेशियो को लिख लेता हूं और इसको मिटा के ताकि जगह वहां, तो मुझे एंट्री आपको सिखाना है तो आप इसको कॉपी कर लो और मैं इसको मिटा कर मैं यहीं पे कुछ लिखता हूं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू किया गया कितने पे, 4 लाख। जगह बना रहा हूं ताकि मैं सब कुछ मिटा पाऊं, एंट्रीज करना ठीक है। और ये हटा कर देखो जरा हमारे क्वेश्चन में क्या निकल के आया, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में मतलब अभी तक सॉल्यूशन में हमारा जो न्यू रेशियो निकला है मेरे बच्चे वो आपका था 15:9:8 और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आया था इट वॉज 5:3 आपका। लो मैं इसको हटा देता हूँ, ये हमने अभी तक किया काम। अब मैं टेबल एंट्री पहले सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट के लिए और उस टेबल एंट्री को एग्जाम में कैसे अप्लाई करना वो भी सिखाऊंगा ताकि बातें बन जाए। तो आओ जरा पहले हम देखें यहाँ पे टेबल एंट्री है ना, ये लिख दो ब्रैकेट में समझने के लिए। एक्चुअली ये बड़े हो जाओगे तो यही करना है, लिख दो यहाँ पे समझने, समझने के लिए ऐसे लिखते लिए ना, जो भी होगा देख लेंगे। आइए जरा तो मैं नाम लिख दो जी, XYZ, तीन पार्टनर्स हैं। आपने क्या करना है यहाँ पे, पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आपने करना क्रेडिट। सारी बातें मैंने चेंजिंग रेशियो में भी बताया था, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो गुडविल कितना है यहाँ पे, फर्म का बताओ, फर्म का 4 लाख, ओल्ड रेशियो 5:3। तो बताओ 4 लाख रुपये, 4 लाख रुपये जो हमारी, ये देखो पहले से 2 पार्टनर थे यहाँ पे XY और यहाँ पे अब 3 पार्टनर हो गए XYZ। तो यहाँ पे हमने झगड़ा खत्म करने के लिए गुडविल को वैल्यू किया, वो कितना निकल गया, 4 लाख रुपये। ये गुडविल ऑफ द फर्म आपका है। तो बताओ इस 4 लाख में हमारी हिस्सेदारी थी कितनी, 5:3, तो 4 लाख ये आ गया 2,50,000 और इनका कितना था 150, ठीक है ना। लेकिन मेरे बच्चे जेड के आने के बाद फ्यूचर में अब इसको न्यू पार्टनर्स जो है ना, न्यू पार्टनर्स वो न्यू रेशियो में यहाँ पे विड्रॉ करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। तो चलो बताओ नया रेशियो क्या बन गया, 15:9:8, बताओ कितना आ जाएगा, 4 लाख / 32 ना, 32 आपका 15, ये आ गया 1,87,500 और यहाँ पे 9 1,12,500 और जेड का कितना निकल के आया आपको यहाँ पे, जेड का तो 1,12,500 ये आ गया आपका 1 लाख का अमाउंट आपका 1 लाख। तो आप देखो हमने क्या करना, इसको हमने बोला था कि आप क्या, आपने करना क्या है जी, ये देखो एक्स का शेयर 250 था लेकिन जेड के आने के चलते फ्यूचर में इतना मिलेगा, इसको लॉस करना, लॉस होगा बच्चे तो उतना आज हमें देना पड़ेगा। यानी कि 250 में से अगर आप 187,500 ही आपको मिलेगा तो आपको 62,500 आपको सेक्रीफाइस करना होगा। सुनो मेरी बात, जहाँ पे 2.5 लाख मुझे मिलता, सॉरी मिल रहा था,
अब हमें इतना ही मिलेगा फ्यूचर में, तो इतना हमें लॉस होगा जी। ये मेरे बच्चे ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, और जितना आप फ्यूचर में सेक्रीफाइस करोगे उतना हम आज आपको दे देंगे। जो सेक्रीफाइस करता हम उसको देते हैं। ये भी फ्यूचर में सेक्रीफाइस करने वाले हैं, कितना, 37,500 का, तो इनको भी आज हम दे देंगे। और ये गेन करेगा मेरे बच्चे, पहले कुछ इसका हिस्सा था नहीं, बैठे बैठे 1,00,000 रुपये मिलेगा, तो 1,00,000 जो आप गेन करोगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। ये गेन करेगा, हम उससे लेंगे, और ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, इतना देंगे। यही बातें कहा था ना, यही बातें हुई थी ना सर। हाँ सर हाँ। अब जरा बताओ, मैं इसको एंट्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वो कॉन्सेप्ट वाला एंट्री कराऊँ या डायरेक्टली करा दूँ? कॉन्सेप्ट वाला कि डायरेक्टली? सर डायरेक्टली कराओ। सर समझ गए थे आप क्या बोलना चाहते हो, तो आइए जरा मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आपका मैं लिख देता हूँ फॉर आपका एग्ज़ाम, मतलब जो आपने स्कूल के प्रैक्टिस में करना है वो ही, अगर रिक्वायरमेंट मुझे लगेगा तो मैं उधर बता दूंगा। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड। जरा बताओ बिजनेस में कितना कैश आएगा? तो एक तो 8,00,000 रुपये ये आएगा, और मेरे बच्चे जेड जितना गेन करेगा ना वो आएगा, मतलब 1,00,000 रुपये। पूरे फर्म की गुडविल 4,00,000 रुपये, और वो पूरे 4,00,000 जेड गेन नहीं करेगा, जेड कितना गेन करेगा, 1,00,000 रुपये बैठे बैठे। तो हमने कहा कि 8+1 टोटल 9,00,000 का अमाउंट आएगा। 9,00,000 में हमने कहा टू जेड कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट बताओ कैपिटल के नाम पे कितना आया, 8,00,000। तो 8,00,000 रुपये कैपिटल के नाम पे आया है, और जो जो गुडविल का पैसा है इसमें ऐड करने के बजाय हम क्या बोल देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल आपका ये कितना अमाउंट हो गया जी, 1,00,000 रुपये का अमाउंट, 1,00,000। पहली एंट्री कंप्लीट। दूसरी एंट्री में ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितना जी, 1,00,000। मतलब वो जितना गेन किया था मेरे बच्चे 1,00,000, वो जो लिया था वो पैसा क्या करो, हम किसको दे देंगे, एक्स वाई को, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये 1,00,000 रुपये जो जेड को गेन होगा वो छोड़ना होगा एक्स को और वाई को, तो जितना जितना छोड़ेंगे आज उनको हम उतना दे देते हैं। आप बताओ एक्स का कितना, 62,500। तो एक्स को 62,500 और वाई को आपका 37,500 लीजिए, काम पूरा हो गया। ये आपका यहाँ पे पैसा जो आप लेकर आए, और ये 1,00,000 हमने क्या किया, एक्स वाई को यहाँ पर दे दिया, बात खत्म हो गई। अब प्लीज कॉपी कर लो, आप कॉपी कर लो। सर अगर वो कॉन्सेप्ट वाला समझाना लो ना, अगर हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले पे, तो हमने क्या किया था, कैश अकाउंट डेबिटेड 9,00,000, इसके बाद टू जेड कैपिटल अकाउंट, हमने यहाँ पे जेड में पूरे 9,00,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए, 8,00,000 कैपिटल का, एक गुडविल का, और अगली एंट्री में जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेज कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये हमने 1,00,000 हटा दिया इनके अकाउंट से, 62,500 इनको दे दिया एंड 37,500 इनको दे दिया, है ना। और आप जानते हो मैं इसको काट दूँ ऐसे डॉटेड कि ये कॉन्सेप्ट के लिए एग्जाम में अप्लाई नहीं करना, एग्जाम में यही दो एंट्री करना आपने, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है सर? सर समझ में तो आ रही है सर, लेकिन आपने जो कहा कि टेबल एंट्री नहीं करना, इसको एक और तरीके से, वो तरीका क्या है सर? ये तो अमाउंट जो हमें पता चलेगा, ये अमाउंट जो आपने एंट्री में डाले थे, ये तो टेबल एंट्री से ही पता चलेगा सर, फिर दूसरा तरीका क्या है सर बताओ ना। चलो मैं वो भी पर्दा अब खोल देता हूँ, वो भी सस्पेंस हटा देता हूँ और काम पूरा करता हूँ, इसी क्वेश्चन में या अगले क्वेश्चन में? सर अगले क्वेश्चन में, तो ठीक है अगले क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाली बातें ना बता के अब मैं आपके अल्टीमेट कॉन्सेप्ट पे आऊँगा, और आज तो मस्ती होएगी मेरे बच्चे, मस्ती होएगी, इतनी मस्ती कि मैं क्या बताऊँ। आज के बाद आप पढ़ाई करना छोड़ देना, बोलना कि अब हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तो हम इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अब तो बस हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब हम नहीं पढ़ेंगे। आओ जरा मैं आपको बताऊँ, एग्जाम्पल नंबर भूल गया, 3rd लिख दो, कोई बात नहीं, लिखो यहाँ पे। कहता है कि किसका नाम लिखूं, ए एंड बी,
शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पार्टनर से रेशियो कहता है इनका 3:1 का है। सी इज एडमिटेड, सी को हमने एडमिट किया है फॉर 1/5 शेयर, ठीक है ना। कहता है कि ही हैज़ टू ब्रिंग, उसको लाना है जी ₹7,07,000, तो लिख दिया था 4,00,000 कर देते हैं, 4,00,000 भी का एक पॉइंट आ गया था, कितना कर लूँ मैं, चलो 9,00,000 कर लेते हैं, 9,00,000 कुछ भी कर सकता था मैं। एज हिज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर हिज शेयर इन गुडविल में जितना उसका हिस्सा बनेगा वो भी लाना पड़ेगा, और कितना जी, कहता है कि गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट रुपीज, इस बार 1,00,000 कर देता हूँ, 1,00,000 कुछ भी हो सकता था, 1,00,000 आपका। बोलता है कि आप एंट्रीज करो, मेक एंट्रीज। आइए इस पर मैं वही चीज कराऊंगा जो आपके एग्जाम में करना है, ठीक है मेरे बच्चे, तैयार हैं आप? सर हाँ, मतलब बर्डन तो फील नहीं हो रहा? नहीं सर नहीं, कैसी बात कहते हो, कहाँ का बर्डन सर, कुछ है नहीं इसके अंदर में। तो आओ जरा मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको पहले कंप्यूटेशन ऑफ न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले मैं निकाल दूँ आपका। लीजिए आप एक काम करना, पार्टनर्स का नाम लिखो यहाँ पे, ए बी एंड सी, ओल्ड रेशियो 3/4 1/4, न्यू रेशियो सी आया है 1/5 के लिए, तो आपका रिमेनिंग कितना बच गया, 4/5। इसको आपस में हम कैसे डिवाइड करेंगे नहीं बता रहा, तो ओल्ड रेशियो में 3/4, ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि बातें बहुत समझा चुका हूँ आपको, ये आ गया 12/20, ये 4/20, और इसको भी 20 में कन्वर्ट करें तो 4/4 करना पड़ेगा, यानी कि 4/20 आपका ओल्ड रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे आप आइए, जो कि ओल्ड माइनस न्यू होगा, तो 3/4 माइनस 12/20 ये आ गया 3/20, ये 1/4 माइनस 4/20 ये आ गया 1/20, और अगर मैं इसका गेनिंग निकालूं तो जीरो पहले से था, 4/20 यानी कि हमने गेन कितना किया, -4/20 आपका, ये निकाल लिया आपने यहाँ पे, हो गया मेरे बच्चे, बोलो ना हुआ ना यहाँ पे सर? हाँ, तो अब मैं आपको एक काम करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम कैसे काम चलेगा, फॉर एग्जाम मतलब रेगुलर आप जो काम करेंगे, पहला एंट्री, या मैं काम करता हूँ, रुको थोड़ा सा पहले समझाऊँ मैं यहाँ पे, एंट्री लिख देता हूँ। आप एक काम करना सुनो मेरी बात, इतना करने के बाद ना इसके बाद अभी 6-7 लाइन जगह छोड़ दो, अभी कुछ और वर्किंग में दिखाऊंगा, 6-7 लाइन जगह छोड़ दो, और 6-7 लाइन जगह छोड़ने के बाद आप लिखिए जर्नल एंट्रीज, मैं यहां से लिख देता हूं बट आप जगह छोड़ के लिखना। पहला एंट्री, बिजनेस में कैश आने का, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, कौन लेकर आएगा, सी, एक तो सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का पैसा, और प्रीमियम जो लाया गुडविल का, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपका, ठीक है। जरा बताओ कैपिटल कितना है, 9,00,000 ये लिख दिया हमने, आप मुझे बताओ गुडविल का वो कितना पैसा लेकर आएगा, बोलो आपसे पूछ रहा हूं मैं, वो क्या गुडविल जो आपके फर्म की है 1,00,000, पूरा 1,00,000 लाएगा क्या, क्या फर्म की जो आज हमने गुडविल वैल्यू किया 1,00,000 रुपए, सारा पैसा लेकर आएगा क्या, क्या पूरे 1,00,000 फ्यूचर में सी को ही मिलेगा क्या? नहीं सर नहीं, इस 1,00,000 रुपए में जितना वो फ्यूचर में गेन करेगा ना उतना ही लेकर आएगा सर। मतलब ये देखो आप, इस 1,00,000 रुपए का जरा बताओ मैं कितना गेन करूंगा, 4/20 यानी कि 20,000 का अमाउंट, 20,000 रुपए
मेरे बच्चे या तो 4/20 ये देख लो जो गेन कर रहा है, या फिर उसका शेयर मीनिंग दोनों सेम ही निकल के हमेशा आएगा। तो हमने कहा कि भैया एक तो कैपिटल का पैसा लेकर आओ, और फर्म की गुडविल जो वैल्यू किया गया इसमें जितना फ्यूचर में आप गेन करोगे यानी कि आपका शेयर, उतना पैसा लाना पड़ेगा। मेरे बच्चे अगली एंट्री में ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया यानी कितना जी 20,000, क्योंकि ये पैसा उसके लिए नहीं है, ये पैसा जो है वो किसके लिए लेकर आया था, वो लाया था एबी के लिए। तो हम ये एज कैपिटल अकाउंट में, एज कैपिटल अकाउंट में और बीज कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ये पैसा हम ए और बी में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? तो सेक्रीफाइसिंग, मैं बार बार ये समझा रहा हूं, टेबल एंट्री में भी हमने कहा था जितना जितना आप सेक्रीफाइस करोगे। मेरे बच्चे ये देखो आप, ए का सेक्रीफाइस कितना है 3/20, ए का सेक्रीफाइस कितना 3/20। तो आप एक काम करना, फर्म की जो गुडविल है ना 1,00,000 रुपए, इस 1,00,000 रुपए में आप कितना सेक्रीफाइस करोगे जी 3/20, तो 3/20 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस 1,00,000 रुपए में आप कितना सेक्रीफाइस करोगे 1/20, तो उतना आपको मिल जाएगा, यानी कि कितना हो गया 15,000 आपका हो गया और 5,000 आपका हो गया। ये कैसे निकल गया? ये तो निकला था यही अमाउंट है 1,00,000 रुपए का आपका 4/20। आओ मेरे साथ एक कसम खाओ, मेरे साथ एक कसम खाओ, और हमेशा याद रखना इस बात को, अगर आप वो कसम भूल गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे बच्चे। फर्म की जो गुडविल है ना 1,00,000 रुपए, फर्म की गुडविल, मैं यहां पे फिर से कर लूं अंडरलाइन, ये फर्म की गुडविल है। तो फर्म की जो गुडविल है इसमें से, इसी में से आप जो गेन करोगे उतना आप दोगे, इसी में से आप जितना जितना सेक्रीफाइस करोगे उतना उतना हम क्या करेंगे आपको इसमें से दे देंगे। और आइए आपको मैं आश्चर्य इस पर नहीं होने दूंगा, अगर मैं टेबल एंट्री देखूं ना, टेबल एंट्री लिख दो ब्रैकेट में फॉर कॉन्सेप्ट ओनली, फॉर कॉन्सेप्ट ओनली, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि अब बातें मैं समझा चुका हूं, तो भी मेरे बच्चे फिगर यही निकल के आएगा, ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं। मैं दिखाता हूं फिगर, फिर भी वही निकल के आएगा जो हमने आपको समझाया था कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जब हम क्रेडिट करेंगे तो आपका गुडविल कितना था जी 1,00,000 रुपए, रेशियो क्या था 3:1, जरा 1,00,000 को 3:1 में डिवाइड करना, 1,75,000 आपका हिस्सा था 75 और आपका था 25, आप तो थे ही नहीं। फ्यूचर में न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो में आप इसको डेबिट करेंगे, तो नया रेशियो क्या बन गया ये देखो आप 12:4:4, नया रेशियो क्या बन गया 12:4:4, या सिंप्लीफाई करो तो 3:1:1, है ना, 4 से तीनों काट दिया, तो 1,00,000 को जरा करना 3:1:1 में, 60,000 आपका हो गया, 20,000 आपका हो गया एंड 20,000 आपका हो गया। आपको मैं दिखाऊं बिल्कुल सेम चीज निकल के आएगा, देखो जी इनका 75 था, 60 मिलेगा, यानी कि 15,000 इनको फ्यूचर में लॉस होगा, आज हमें उनको देना पड़ेगा, बी को 5,000 का लॉस होगा, देना पड़ेगा, और इनसे 20,000 हमें क्या करना होगा, लेना होगा। आप चेक कर लो, यही 20 आपका ये रहा जो आप लेकर आए हो, और यही 15 आपको मिल गया और ये 5 आपको मिल गया, मतलब गेन जितना किए आप उतना दें और हमने जो सेक्रीफाइस किया उतना हम आपसे ले लेंगे, बात खत्म होगी मेरे बच्चे। अब मैं आपको अल्टीमेटली निचोड़ पर लेके आ रहा हूं, बात सुनो ध्यान से, अल्टीमेट निचोड़ क्या निकल के आया, एग्जाम में ये काम आप नहीं करना क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं, जब भी गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा तो पहले आप ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देना, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है निकालना, तो आप पहले इसको निकाल देना, और इसको निकालने के बाद जितना आप कैपिटल का पैसा लेकर आए वो आपका हो गया 9,00,000, प्रीमियम के नाम पे 1,00,000 में से आप कितना लेकर आओगे, कहाँ गया, जितना आप गेन करोगे, तो जितना लेकर आओगे हमने उतना आपसे ले लिया, और इन दोनों को जितना जितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उतना उतना हमने मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया, काम पूरा हो गया। मेरे बच्चे आज हम ज़्यादा बातें नहीं करते, आज बस एक काम जरूर करना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी, इस क्लास का प्रॉपर रिवीजन करके ही अगली क्लास में आप मेरे साथ बैठेंगे,
अगली क्लास में अगर कोई दिमाग में कुछ इफ और बच गया होगा, बचा होगा, जेन्युइन सी बातें होगी, अभी बहुत सारी बातें होने वाली हैं, अगली क्लास में मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि एक्चुअली किस प्रोसेस में किस तरीके से हम एग्जाम में बढ़ेंगे और क्या करेंगे। लेकिन आज मेरे बच्चे हम इतनी क्लासेज रखते हैं, अगली क्लास में मिलने का हम मतलब मन बनाते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, इतना का रिवीजन करके ही अगली क्लास में मेरे साथ बैठेंगे। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। थैंक यू बच्चों।